नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया कनेक्ट में। आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव के आज नतीजे आ चुके हैं। मैदान में उतरे मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को अध्यक्ष पद के चुनाव में बड़ी मात दी है। पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे थे, लेकिन राजस्थान में हुए सियासी ड्रामे के बाद उन्होंने सोनिया गांधी से मिलने के बाद अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इसके बाद खड़गे ने चुनाव लड़ने का फैसला किया था और आज उन्हें बड़ी जीत हासिल हुई। कांग्रेस को नए अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे मिल गए हैं। साफ तौर पर 24 साल बाद कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिला है जो कि गांधी परिवार के बाहर का है, और साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनकी जीत को तय माना जा रहा था, उन्होंने शशि थरूर को काफी ज्यादा वोट मार्जिन से हराया है और अब कांग्रेस प्रेसिडेंट का ताज उनके सर पे होगा। यानी कि इस ताज के साथ साथ कांग्रेस को संभालने की जिम्मेदारी भी मल्लिकार्जुन खड़गे के कंधे पर है। किस तरीके से वो कांग्रेस को एक बार फिर से अच्छी पोजीशन पर पहुंचाते हैं, उसमें जान फूंकते हैं, और किस तरीके से कांग्रेस को एकजुट होकर एक करकर लेके चलने में कैपेबल नजर आते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि काफ़ी सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो कि काफ़ी सालों से कांग्रेस की कमान अलग अलग रोल में निभाते आए हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि पर उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया है, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, दलित चेहरा है, और शशि थरूर को काफी ज्यादा मार्जिन से उन्होंने हराया है। तो देखना यह होगा कि ये जो जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे को साफ तौर पर मिली है, वो इस जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाते हैं, किस तरीके से इसका निर्वाह करते हैं, और इस जिम्मेदारी से किस तरीके से कांग्रेस को एक सूत्र में पिरोने में कामयाब होते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जिम्मेदारी है कांग्रेस को संभालने की, वही कांग्रेस जिसकी पहचान इंदिरा गांधी होती थी, वही कांग्रेस जो राजीव गांधी की कांग्रेस है, वही कांग्रेस जिसकी कमान कई सालों से खुद सोनिया गांधी ने संभाली, और वही कांग्रेस जो चाहते थे सारे कार्यकर्ता राहुल गांधी संभाले, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने इसकी जिम्मेदारी सोची कि किसी और को मिलनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी अब कांग्रेस की मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है। और साफ तौर पर नए अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, तो देखना ये होगा कि ये जो जिम्मेदारी उनको मिली है, जिम्मेदारी का पालन वो कैसे करते हैं। 2024 के चुनाव में क्या कांग्रेस को एक बार फिर से वो वापस उसी रोड पे ला सकते हैं या ले आते हैं जिस रोड पर कांग्रेस कभी चला करती थी, और कांग्रेस भारत की हर राज्य में जिसका शासन हो वो पार्टी हुआ करती थी। विधानसभा के चुनाव भी सामने हैं, हिमाचल में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, तो किस तरीके से कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट, नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।